हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरहाट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शनि की कृपा से 29 दिसंबर को चार राशियां माला माल होंगी। बाकी राशियों का भी आज हम आपको राशि फल बता रहे हैं कि इनकी किस्मत का हाल कैसा रहेगा, तो आइए जानते हैं। पहला है मेष राशि। जिंदगी की बेहतरीन चीजों को शिद्दत से महसूस करने के लिए अपने दिल दिमाग के दरवाजे खोलें। चिंता को छोड़ना इनकी ओर पहला कदम है। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। घर में उल्लास का माहौल आपके तनावों को कम कर देगा। आप भी इनमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक न बने रहें। अचानक हुई रोमांटिक मुलाकात आपके लिए उलझन पैदा कर सकती है। दफ्तर में बेवजह टांग खींचने वाले आपको गुस्सा दिला सकते हैं। शहर से बाहर यात्रा ज्यादा आरामदायक नहीं रहेगी, लेकिन आवश्यक जान पहचान बनाने के लिए के लिहाज से फायदेमंद साबित होगा। वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा महसूस दिख रहा है। दूसरा है वृषभ राशि यानी तौरस। अपने दिन की शुरुआत कसरत से करें। यही वक्त है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रखने की कोशिश करें। निवेश करने और अनुमान के आधार पर पैसे लगाने के लिहाज से अच्छा दिन नहीं है। आज के दिन दूसरों की राय सुनना और उन पर अमल करना महत्वपूर्ण होगा। प्यार में अपने अशिष्ट वर्ताव के लिए माफी मांगें। काम के लिए मौके परिचित महिलाओं की ओर से आ सकते हैं। अगर आप किसी विवाद में उलझ जाएं तो तल्ख टिप्पणी करने से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिन के आखिरी में आपका जीवन साथी आपकी परेशानियों को जरूर समझेगा। तीसरी राशि है जैमिनी यानी मिथुन राशि। आज आप उम्मीदों की जादुई दुनिया में हैं। माली सुधार की वजह से जरूरी खरीदार करना आसान रहेगा। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। प्रेम के नजरिए से आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। अगर आप दफ्तर में सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करेंगे तो आज भी पकड़े भी जा सकते हैं। आज सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है। जहां दिल की बजाय दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत रोमांचक काम कर सकते हैं। अगली राशि है कैंसर यानी कर्क राशि। किसी भी तरह के द्वंद्व या विरोध से बचे, क्योंकि आपकी सेहत पर इसका बुरा असर होगा। बैंक से जुड़े लेन देन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। जिसके साथ आप रहते हैं उससे वाद विवाद करने से बचे। यदि कोई समस्या है तो उसे शांति से बातचीत करके सुलझाएं। अपने मनमौजी बर्ताव पर काबू रखें, क्योंकि यह आपकी दोस्ती को बर्बाद कर सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। चिट्ठी पत्री में सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि आपका जीवन साथी आपसे निराश है और आपको यह बात मालूम होने वाली है। अगली राशि है लियो यानी सिंह राशि। आज आपको कई दिक्कतों और मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से आप झुंझलाहट और बेचैनी महसूस करेंगे। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। उस रिश्तेदार को देखने जाएं जिसकी तबीयत काफी समय से खराब है। एक तरफा प्यार आपको निराश कर सकता है। अगर आप विदेश में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा है। छुपे हुए दुश्मन आपके बारे में अफवाहें फैलाने के लिए अधीर होंगे। वैवाहिक जीवन के खराब क्षणों का चरम आज आपको देखने को मिल सकता है। अगली राशि है वर्गो यानी कन्या राशि। ख्याली पुलाव पकाने में वक्त जाया ना करें। सार्थक कामों में लगने के लिए अपनी ऊर्जा बचा कर रखें। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी जो आपके लिए परेशानी का सबब साबित हो सकती है। एक पारिवारिक आयोजन में आप सभी के ध्यान का केंद्र होंगे। रोमांटिक जिंदगी में बदलाव मुमकिन है। इससे पहले कि वरिष्ठ को पता लगे, लंबित काम जल्दी ही निपटा लें। ऐसी जानकारियों को उजागर ना करें जो व्यक्तिगत और गोपनीय हो। अगर आपने सही समय पर ध्यान ना दिया तो आपका जीवन साथी रौद्र रूप भी धारण कर सकता है। अगली राशि है लिब्रा यानी तुला राशि। तली भुनी चीजों से दूर रहें और रोजाना कसरत करते रहें। वे आर्थिक लाभ जो आज मिलने वाला था टल सकता है। कुल मिलाकर फायदेमंद दिन है। जिस पर आप आंख बंद करके यकीन करने की सोचते हैं वही आपके भरोसे को तोड़ सकता है। रोमांस आनंददायी और काफी रोमांचक रहेगा। सेमिनार और गोष्ठियों में हिस्सा लेकर आज आप कई नए विचार पा सकते हैं। आज काफी दिमागी कसरत मुमकिन है। आप में से कुछ शतरंज खेल सकते हैं, वर्ग पहेली हल कर सकते हैं, कोई कविता कहानी लिख सकते हैं।
या भविष्य की योजना पर गहराई से सोच सकते हैं, आपका जीवन साथी आपकी बहुत तारीफ करेगा और आप पर बहुत स्नेह उड़ेलेगा। अगली राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। दोस्तों, अपने परिवार के हितों के खिलाफ काम ना करें। मुमकिन है कि आप उनके नजरिए से सहमत ना हो, लेकिन निश्चित तौर पर आपके काम बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आपको अपनी योजनाओं को इस तरह से अमली जमा जामा पहनना चाहिए जिससे वे दूसरों के लिए राह दिखाने का काम करें। अगर आपने ज्यादा खुले दिल से पैसे खर्च किए तो आप आर्थिक तौर पर बाद में समस्याओं का सामना कर सकते हैं। बच्चे भविष्य की योजना बनाने की अपेक्षा घर के बाहर ज्यादा समय बिताकर आपको निराश कर सकते हैं। आज आप इश्क की चाशनी जिंदगी में घुलती हुई महसूस करेंगे। अहम लोगों से बातचीत करते वक्त अपनी आंख कान खुले रखिए। हो सकता है आपके हाथ कोई कीमती बात या विचार लग जाए। अपने व्यक्तित्व और रंग रूप को बेहतर बनाने का कोशिश संतोषजनक साबित होगा। आज के दिन आपका वैवाहिक जीवन एक खूबसूरत बदलाव से गुजरेगा। अगला है सैजिटेरियस यानी धनु राशि। बेकार के ख्यालों में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, बल्कि इसे सही दिशा में लगाएं। रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा दिन है। बच्चों के साथ समय बिताना खास होगा। घटती घरेलू जिम्मेदारियां और रुपए पैसे को लेकर वाद विवाद के चलते आपके वैवाहिक जीवन में खटास पैदा हो सकती है। आज के दिन आपका कार्य क्षेत्र में आलोचनाओं का शिकार हो सकते हैं। अचानक यात्रा के कारण आप आपाधापी और तनाव का शिकार भी हो सकते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी को लंबे समय तक कोई सरप्राइज नहीं देते हैं तो आप परेशानियों को न्योता दे रहे हैं। अगली राशि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। परिवार वालों के साथ आपका रुख बर्ताव घर का माहौल तनावपूर्ण बन सकता है। आपको दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा आप दूसरों के लिए चाहते हैं। आपके घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेगा। घर में कुछ बदलाव आपको काफी भावुक बना सकते हैं, लेकिन आप अपनी भावनाएं उनके सामने जाहिर करने में कामयाब रहेंगे, जो आपके लिए खास है। हर रोज प्रेम में पड़ने की अपनी आदत को बदलिए। आपका वर्चस्ववादी स्वभाव आलोचना की वजह बन सकता है। आप अपनी छुपी खासियत का इस्तेमाल कर दिन को बेहतरीन बनाएंगे। कोई रिश्तेदार अचानक आपके घर आ सकता है, इसके चलते आपकी योजनाएं गड़बड़ा सकती हैं। अगली राशि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। खुशियों से भरा अच्छा दिन है। खास लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें संभावना नजर आए। और विशेष हो पढ़ाई की कीमत पर घर से ज्यादा देर तक बाहर रहना आपको माता पिता के गुस्से का शिकार बना सकता है। करियर के लिए योजना बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि खेलना कूदना। इसलिए माता पिता को खुश करने के लिए दोनों में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। रोमांस के लिए बढ़ाए गए कदम असर नहीं दिखाएंगे। आपका व्यवसाय और मोल भाव करने की क्षमता फायदेमंद साबित हो सकती है। टैक्स और बीमे से जुड़ी विषय पर गौर करने की जरूरत है। अगर आपके जीवन साथी की सेहत कर चलते किसी से मिलने की योजना रद्द हो जाए तो चिंता न करें, आप साथ में अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं। अगली और आखिरी राशि है पाइसिस यानी मीन राशि। सड़क पार करते वक्त सावधान रहें, खासतौर पर लाल बत्ती पार करते समय। किसी और की लापरवाही का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। माली सुधार की वजह से जरूरी खरीदारी करना आसान रहेगा। घरेलू जिंदगी सुकून भरी और खुशनुमा रहेगी। आपका प्रिय आज कुछ खींचा हुआ महसूस कर सकता है, जो आपके दिमाग पर दबाव और बढ़ा देगा। सहकर्मी आपको काफी सहयोग देंगे और कार्यक्षेत्र में विश्वास की नींव पर नए रिश्तों की शुरुआत होगी। परोपकार और सामाजिक कार्य आज आपको आकर्षित करेंगे। अगर आप ऐसे अच्छे कामों में थोड़ा समय लगाएं तो काफी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बिजली कटौती या फिर किसी अन्य वजह से आपको सुबह तैयार होने परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जीवन साथी की ओर से इसे निपटने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि 29 दिसंबर के दिन आपका राशिफल किस प्रकार से रहेगा। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।